खबर वाराणसी से है, जहां आगामी त्यौहार ईद व नवरात्र को देखते हुए चेतगंज स्थित IMA बिल्डिंग में अपर पुलिस आयुक्त कानून व व्यवस्था के नेतृत्व में सभी 12 थानों के प्रभारियों व सभी ACP के उपस्थित में हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के सम्मानित व्यक्तियों के साथ इस पर को सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से बैठक सम्पन्न हुआ, जिसमें बिजली सीवर पानी सहित अन्य आने वाली दिक्कतों पर चर्चा हुई। सभी ने अपने अपने क्षेत्र की कमियों को गिनाया, जिस पर अधिकारियों ने नोट कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। आगामी त्यौहार ईद नवरात्र रामनवमी को देख लेकर पीस कमेटी मीटिंग आयोजित किया गया था और इसमें डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है और उनकी क्षेत्र का समस्याओं के बारे में बताया गया है, सुन लिया और नोट किया गया है और संबंधित अधिकारियों को समय से इसको रखते हुए इसको बता दिया जाएगा और व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए आगामी त्यौहारों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आज यहाँ पर नवरात्र और ईद उल फित्र की नमाज ईद की नमाज को लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें चारों थाने के चारों आपके ACP काशी जोन के और चिनिप्पा साहब जो DIG हैं और 12 थाने थाना अध्यक्ष और सम्मानित भी नागरिकों के बीच में सकुशल संपन्न कराने के लिए कि ईद और जो आने वाला जो है नवरात्र है, एक रमज़ान जाता है दूसरा रमज़ान शुरू हो जा रहा है, नवरात्र भी इबादत का महीना है, पूजा पाठ का महीना है। ऐसे में साफ़ सफाई की व्यवस्था करने के लिए जिस तरीके से वाराणसी का प्रशासन ने हमको अलविदे की नमाज में जिस तरीके से सकुशल अलविदे की नमाज कराया, बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि तमाम सीवर पानी और लाइट का जो व्यवस्था था, चूना छिड़काव का व्यवस्था था, वो बहुत अच्छा था। ऐसा व्यवस्था था कि हम अभी उनके सामने कहा कि अगर यही व्यवस्था अगर ईद के अंदर मात्र 2 घंटे की नमाज है, 8 घंटे के साथ लोग जाके अपने घरों से जाते रात भर के जगह रहते हैं, वाराणसी के प्रशासन प्रशासन ने कहा विभाग को हम लोग इसकी लिखित देंगे और जिस तरीके से अलविदा की नमाज के अंदर साफ सफाई व्यवस्था की, उसी तरीके ईद की नमाज भी सकुशल संपन्न कराएंगे। ये वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे IMA बिल्डिंग पर जो काशी जोन की मीटिंग गई, 12 थाना अध्यक्ष के बीच में मौजूद थे, चारों ACP मौजूद थे, इसलिए हमको भरोसा है कि वाराणसी का प्रशासन जिस तरीके से हमको आश्वासन दिया है, वो आने वाले दिनों में जो अभी आपको गुरुवार को लगभग हम समझते ईद की नमाज होगी और वो सकुशल संपन्न कराएगी, यही हमें भरोसा है, उम्मीद है।